दोस्तों अगर मैं भारतीय परिवारों की बात करूँ ना तो 10,000 रुपये की स्मार्टफोन सेगमेंट ऐसी है कि ज़्यादातर घर वालों को लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। एंड क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हम 10,000-11,000 के आसपास ही स्मार्टफोन लेते हैं। एंड हमारी इन्वेस्टमेंट ना ठीक जगह होनी चाहिए क्योंकि हम बार बार स्मार्टफोन को चेंज नहीं करते। तो उसी बजट में बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन आता है रेडमी नोट 7S। अभी इस स्मार्टफोन को ना मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक महीने का इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा, बताऊंगा स्मार्टफोन में क्या खास बात है, कहां पर ये इंप्रूव हो सकता है, क्या इसमें घटिया बातें हैं एंड क्या इसकी सबसे बेस्ट बातें हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे Redmi Note 7S की बिल्ड क्वालिटी से। आपको इसमें फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ देखने को मिलता है। तो ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी प्रीमियम है। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि इसका जो रिम है वो प्लास्टिक है, बट ओवरऑल ये स्मार्टफोन की जो लुक है वो काफ़ी क्लासी है एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जब भी आप इस स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ोगे तो ये 11,000 का वैसे स्मार्टफोन है, बट ये आपको 20-25,000 के स्मार्टफोन की फील देगा क्योंकि यहां पर बहुत ही प्रीमियम फील होता है ये स्मार्टफोन। तो यहां पर Xiaomi ने बिल्कुल भी कमी नहीं की है, ऑल्दो इसका वेट का थोड़ा इश्यू है जो कि मैं बाद में बात करूंगा। बहुत ही कम गाइस, उसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। आपको इस स्मार्टफोन में ना 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। डॉट नॉच के साथ ये डिस्प्ले आती है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना तो यहाँ पर कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, नेचुरल कलर लगते हैं, कॉन्ट्रास्ट एंड सेचुरेशन बिल्कुल पॉइंट पर है, ब्राइट भी ये काफ़ी डिस्प्ले। अगर आप इसे सनलाइट में भी यूज़ करोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। प्लस आपको जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इसकी एक नंबर है, बट जहाँ पर मैं बेजल्स की बात करता हूँ ना वो थोड़े मोटे हैं जो मैं आगे बात करूँगा, बट यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी इशू मेरे को देखने को नहीं मिला। उसके बाद बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस की। आपको ये 11,000 के स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 660 का यूज़ देखने को मिलता है। आपको ये स्मार्टफोन 3 या फिर 4 GB रैम ऑप्शन में मिलता है, 32 या फिर 64 GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन के साथ। मैं आपको इसका 4 GB रैम वेरिएंट जो है रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 1,000 डाल के फिर Redmi Note 7 Pro आ जाएगा, बट अगर मैं 3 GB रैम वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आपको ए क्लास गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। चाहे एसफल्ट 8 है, एसफल्ट 9 है, मॉडर्न कॉम्बैट 5 है, कोई भी गेम है ये आपको आसानी से प्ले कर देगा। पबजी आप इसमें HD हाई में विदाउट एनी इशू खेल सकते हो, बट HD हाई में आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स तो देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्मार्टफोन में गेमिंग करते हो तो ये 42 डिग्री तक चला जाता है, तो डेफिनेटली ये वार्म होता है, बट ओवरहीट का मैंने इसमें कोई भी इशू जो है ऑब्जर्व नहीं किया। अगर इसके मैं यूजर इंटरफेस की बात करूं तो आपको इसमें MIUI देखने को मिलता है। अभी मैं इसके यूजर इंटरफेस की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस की ये आपको फील कैसा होगा। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ है, ऐप बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं। ओवरऑल ना इसका जो इंटरफेस भी आपको काफी स्नैपी लगेगा, काफी आपको बिल्कुल भी लैग इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कोई स्टटर नहीं है, तो आपको इसमें काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा इसके यूज़र इंटरफेस में। तो इसके परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में इसे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड गाइज वीडियो के बीच में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो Techie Tweaks की किसी भी वीडियो को तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को अनेबल कर लेना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद इसका एक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका कैमरा। आपको इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है रियर की साइड में। हाँ मेरे को पता है कि ये सैमसंग का ब्राइट GM1 सेंसर है, बट यहाँ पर ना मैं मेगापिक्सल की बात नहीं करता हूँ। अगर मैं इसकी डेलाइट में परफॉर्मेंस की बात करूँ, कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही नेचुरल है और कलर्स आपको काफ़ी पसंद आएंगे, बहुत ही अच्छी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, डायनेमिक रेंज भी कमाल की है, तो डेलाइट में कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं बजट को कंसिडर करते हुए इसकी लो लाइट की बात करूँ, वहाँ पर भी ये स्मार्टफोन आपको इंप्रेस करेगा क्योंकि वहां पर ये पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी को जो है यूज करता है। तो ओवरऑल इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है बजट के अकॉर्डिंग। हाँ डेफिनेटली आपको नॉइस देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल आपको अच्छी डिटेल्स और अच्छे कलर्स आपको लो लाइट कलर जो है लो लाइट में भी देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक
जो है पॉजिटिव पॉइंट है। रियर कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है, आपको एज डिटेक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एंड जो आपको ब्लर देखने को मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, तो आपकी जो इमेज है ना पोर्ट्रेट मोड वाली वो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगी, तो ये एक और पॉजिटिव बात है रेडमी नोट 7S की। अगर इसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आपको 1080p में EIS का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर जो इसकी वीडियो क्वालिटी है उसके कलर्स अच्छे हैं, स्टेबलाइज्ड वीडियो है, ऑडियो काफ़ी अच्छा है, डायनेमिक रेंज में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे बट ओवरऑल इसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, तो जो इसका ओवरऑल जो रेयर कैमरा है ना उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर दिया है। उसके बाद अब बात करते हैं एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जो है इसकी बैटरी लाइफ। आपको इस स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी मिलता है, इसमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है बट क्विक चार्ज 3 चार्जर ही अवेलेबल है इंडिया में, बट डब्बे में आपको सिर्फ 10 वॉट का चार्जर मिलता है। यहाँ पर इसका जो सॉफ्टवेयर है वो MIUI है, तो जब आप 4000 mAh की बैटरी को कंबाइन करते हो MIUI के साथ तो अगर आपका मॉडरेट यूज़ है तो आपको ये स्मार्टफोन 2 दिन का बैटरी लाइफ आराम से दे देगा, 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको स्मार्टफोन से मिल जाएगा। ओवरऑल बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, जो 10 वॉट का चार्जर आता डब्बे में वो तकरीबन 2.5 घंटे लेता है चार्ज करने के लिए, बट जो इसका क्विक चार्ज 3 वाला चार्जर भी है मैंने उससे भी चार्ज किया, 1 घंटा 50 मिनट वहां पर भी ये ले लेता है, तो इसकी चार्जिंग बहुत फास्ट नहीं बट जो इसकी बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा कमाल की है। प्लस आपको इसमें टाइप सी देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। एक स्मार्टफोन का मेन फंक्शन होता है उसकी कॉल क्वालिटी, इसकी जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी लाउड है, क्रिस्प है, क्लियर है, मेरे को कोई भी इशू नहीं है। इसका जो नेटवर्क रिसेप्शन है वो भी काफ़ी कमाल की है, ड्यूअल 4G का सपोर्ट मिल जाता है, जब मैं स्मार्टफोन को ट्रैवलिंग के टाइम भी यूज़ करता हूँ तो भी इसका जो नेटवर्क है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है मैं बोलूँगा। अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यार इसमें आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है, जिस बजट में ये आता है वैसा ही परफॉर्म करता है, लाउड है, क्वालिटी भी ठीक है, अमेजिंग नहीं बट बजट के हिसाब से अच्छा है, बट इसके हेडफोन जैक की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी कंप्रोमाइज़ मैं बोलूँगा नहीं किया गया। आपको इसमें रेयर की साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है एंड आपको पता ही है क्योंकि ये रेडमी का स्मार्टफोन है काफ़ी फास्ट है, काफ़ी रिलायबल है। इसमें आपको AI वाला फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, ये काफ़ी मैं बोलूँगा रिलायबल है बट ना ये तकरीबन 0.5 से 1 सेकंड ले लेता है अनलॉक होने के लिए, हर बार अनलॉक हो जाता है बट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। आपको जो भी सेंसर अपने स्मार्टफोन में चाहिए चाहे वो ऑटो ब्राइटनेस है, जायरोस्कोप है, कुछ भी है, आपको सभी सेंसर्स का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके बाद Redmi Note 7 में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिलती है जो कि आपको इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर Xiaomi ने बहुत ही कमाल का काम किया है। यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट और बता देना चाहता हूँ कि इस स्मार्टफोन में आपको वाइड वन लेवल L1 का भी सपोर्ट मिलता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स कैमरा 2 API भी अनेबल्ड है, तो अगर आप गूगल कैमरा का यूज़ करना चाहते हो तो आपकी इमेज क्वालिटी बहुत कमाल की हो जाएगी। ये थे इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट अगर मैं इसके ऐसे पॉइंट की बात करूँ जो कि अच्छे हैं बट डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकते हैं या फिर इम्प्रूव हो सकते थे, यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा डिस्प्ले की। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं, बट यहाँ पर जो इसके बेजल्स हैं ना साइड वाले बेजल्स वो काफ़ी मोटे हैं, प्लस इसकी चिन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट अगर हो जाते तो ये स्मार्टफोन थोड़ा और अच्छा लगना था, डील ब्रेकर नहीं बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद मैं एक और पॉइंट की बात करना चाहूंगा वो है फास्ट चार्जिंग। नो डाउट इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है बट डब्बे में सिर्फ 10 वॉट का चार्जर अवेलेबल है, तो अगर आप क्विक चार्ज 3 वाला चार्जर लेना चाहते हो तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एंड क्विक चार्ज 4 वाला तो अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा गाइज इसके फ्रंट कैमरा की। आपको इसमें ना 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ। अभी ये ना फ्रंट कैमरा अच्छा फ्रंट कैमरा है, इसके कलर्स अच्छे हैं, इसकी डायनेमिक रेंज ठीक है, सब्जेक्ट पर फोकस अच्छा है, डिटेल्स अच्छी हैं, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, बट ये जो फ्रंट कैमरा है ना लो लाइट में काफ़ी एवरेज हो जाता है। यार मैं आपको ये ना ऐसे बताता हूँ कि फ्रंट कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ स्पेशल नहीं है, इतना वाइड नहीं है, या बोल लो जैसे Realme 3 Pro का फ्रंट कैमरा है ना वो मैजिक कर देता है, वैसा मैजिक नहीं ये नहीं करता, एक बहुत ही कैपेबल फ्रंट कैमरा है, डे लाइट में तो कमाल करता है बट लो लाइट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे क्योंकि लो लाइट में नॉइज प्लस डिटेल्स काफी कम हो जाती है। उसके बाद मैं गाइस बात करना चाहूंगा इस स्मार्टफोन के वेट डिस्ट्रीब्यूशन की।
यहाँ पर ना इसकी बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर है, बट जब आप इस स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ोगे ना तो ये आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा। तो अगर Xiaomi थोड़ा सा बेहतर वेट मैनेजमेंट या फिर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देता तो बहुत अच्छा हो जाना था। प्लस आपको थोड़ा सा कैमरा बम्प देखने को मिलता, बट क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। एंड गाइज, अब मैं बात करूँगा इस स्मार्टफोन के सबसे बड़े ड्रॉबैक्स की। पहला पॉइंट है, आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। मेरे को नहीं पता रेडमी क्या सोच रहा था जब उन्होंने ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया। यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि जो 15,000 तक के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं ना, उनमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड की जो है फंक्शनैलिटी देनी चाहिए। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना इसके 3GB रैम वेरियंट की, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, बट आपको जो है अगर 32 में से 23GB स्टोरेज मिल रही है तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना तो 23GB मेरे को कम लगती है। बट अगर वहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड की डेडिकेटेड सपोर्ट होती ना तो मज़ा आ जाता। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है। प्लस आपको इसके यूज़र इंटरफेस में काफ़ी सारे एड्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर ना बहुत सारे वर्क अराउंड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसके यूज़र इंटरफेस में एड्स को डिलीट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यार हम एक स्मार्टफोन के लिए पैसा दे चुके हैं, हम ऐड क्यों देखें? तो ये काफ़ी बड़ी मेरे को ये प्रॉब्लम लगती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो Redmi Note 7S बजट का किंग बोलूँगा मैं। परफॉर्मेंस एक नंबर, डिस्प्ले एक नंबर, बिल्ड एक नंबर, कैमरा एक नंबर। मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है इसके, सॉफ्टवेयर के साथ इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो 9 नंबर दूंगा इसे 10 में से। 3GB रैम वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपका कमेंट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है, आपके पास कोई फीडबैक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।